लाए से लिवा के मेरे भतीजे को, इनने दारू भी पिलाई, दारू भी पिला के लाने के बाद में बड़े गांव के और गुड़िया के दोनों के बीच में इनने हत्या करके खेत में डाल दिया मार के। सभी उच्च अधिकारियों ने घटना स्थल निरीक्षण किया है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। यूपी के जिला बरेली में बेखौफ दबंगों ने पहले युवक को जमकर शराब पिलाई, फिर उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात सिरौली थाना क्षेत्र में बड़ा गांव पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर हुई। आरोपी हत्या के बाद शव को सड़क किनारे खेत में फेंककर फरार हो गए। रविवार सुबह युवक का छत विछत शव पड़ा मिला तो गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। युवक के चाचा ने गाँव के ही 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आप पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद युवक के चाचा नेपाल सिंह से सुनिए कि कैसे दबंगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, फिर हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नेपाल सिंह नाम है। क्या घटना हुई थी? घटना ये लाए से लिवा के मेरे भतीजे को और इनने दारू भी पिलाई, दारू भी पिला के लाने के बाद में इनने बड़े गाँव के और गुड़िया के दोनों के बीच में इनने हत्या करके और खेत में डाल दिया मार के। किन लोगों ने मारा है? ये मारा है ईश्वरी ने और कुमारपाल ने, और कुमारपाल बाप का नाम है परमेश्वरी ने। अच्छा, कोई रंजिश वगैरह चल रही थी? रंजिश नहीं, कुछ ऐसी मेड़ भेड़ कर झगड़ा था, थोड़ा बहुत रहता ही। वो इन्हें ये दारू पिला के और मार दिया ला के। क्या करता था ये आपको भतीजा? हमारा भतीजा खेती बाड़ी का काम करता। बुला के ले गए, बोले चलो चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है। मैंने मना, जाओ लोगों ने भी मना करी, बोले उसकी बहू ने भी मना करी कि कहाँ जा रहे, बोले आ रहे हैं भी लौट के। तो वो इन्हें ले जा के लिवा के ला के बैठा के ला के, ये ना पता काम लाए ट्रैक्टर में लाए ट्राली में लाए, ये ना पता काम बैठा रहे लाए, उसको हत्या करके और उसमें डाल दी बरसीन में डंगर के चारों वालों में। किसने देखा था? वो तो देखने वाले तो साहब हमें तो पता लगी, बाद में पता लगी। तो जी ले गए, हमने तो इनसे पूछा भाई हमारा भतीजा कहाँ है, तो जिनने जा कही कि देखो कि वो बड़ा गांव चले गए यार। शरीर पे कोई चोट वोट की भी निशान थे? हाँ, चोट के हाँ, आँख भी निकल गई है। कोई पकड़ा नहीं गया है। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की निर्मम हत्या की यह सनसनीखेज वारदात सिरौली थाना क्षेत्र की है। गांव डालचंद गोटिया निवासी 40 वर्षीय जमुना प्रसाद खेतीबाड़ी करते थे। वह शनिवार रात घर पर खाना खा रहे थे, इसी दौरान गांव के ही ईश्वरी प्रसाद कुंवरपाल परमेश्वरी उन्हें घर से बुलाकर ले गए थे। जमुना प्रसाद देर रात तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजन ईश्वरी प्रसाद समेत अन्य के घर पहुंचे और उनके बारे में पूछताछ करी। इस पर सभी ने कह दिया कि जमुना प्रसाद किसी काम से बड़ा गांव चले गए। रविवार सुबह बड़ा गांव पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर एक खेत में जमुना प्रसाद का छत विछत शव पड़ा मिला। शव को सड़क से घसीट कर लगभग 50 मीटर अंदर खेत में डाला गया था। चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था और आंखें भी बाहर निकल आई थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ईश्वरी प्रसाद कुंवरपाल और परमेश्वरी पर शराब पिलाने के बाद ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या करने का आरोप लगाया है। जमुना प्रसाद के चाचा नेपाल सिंह ने तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा है। मामले में एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच कराई जा रही है, आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 14 जनवरी 2024 को थाना सिरौली में नेपाल सिंह पुत्र श्री रोशन लाल ने आकर सूचना दी कि उनके भतीजे जमुना प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामदास जो कि 40 वर्ष के हैं, उनको उनके ही गांव के ईश्वरी प्रसाद कुंवरपाल तथा परमेश्वरी बुलाकर शाम को लेके गए थे तथा इन्होंने उसको दारू पिलाकर ट्रैक्टर से कुचलकर इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल निरीक्षण किया है, सबको कब्जे में लेकर पंचायत नाव पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही सभी उपलब्ध तथ्यों की गहनता से जांच करके सत्यता के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।